स्वस्थ है विधि और निषेध से तो वस्तु अनुमत बिना लोभ सभी अच्छा व्यवहारो सौहारी अस्त भुवनेश गुरु नमो चाच्यंद सिंह सकल नय विलसिता कांतम आज मैंने अपने कांतवाद को नमस्कार किया है क्योंकि वही दिन शासन का ज्ञान है। एक भी वाक्य उसके बिना सत्य नहीं होता है। सत्य और असत्य के बीच में एक ही अंतर है कि असत्य वाक्यों में सर्वथा लगा होता है और सत्य वाक्यों में स्यात् लगा होता है। और बहुत आचार्यों ने अनेकांतवाद को प्रणाम किया है। अगर हम संग्रह करें तो सैकड़ों श्लोक गाथाएं मिल जाएंगे। करी हो एक बार सही निबंध हो जाना चाहिए क्योंकि तीन चार तो प्रसिद्ध है बराबर और शासित अनंत धर्म प्रत्यगात्म प्रकाश का ऐसे बहुत ही श्लोक है। मैं एक पुस्तक बना रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम है स्यादवाद मंगलम। स्याद जैसे केवली प्रणत तो धम्मो मंगलम है ना, इसी का अपर नाम है स्यादवाद मंगलम। स्यादवाद के बारे में आचार्यों ने क्या क्या कहा है वो सब एक जगह गाथा श्लोक संग्रह हो जाए तो अमृत है। वो बहुत जवाहरलाल जी ने लिखी स्यादवाद पुस्तक वो देखी। हाँ देखिए बहुत काम हुआ है स्याद बात पर। वैसे एक डॉक्टर अशोक कुमार जी की पुस्तक है अनेकांत बात पर 400 पेज की किताब का थीसिस बनारस वालों की 400 पेज का पीएचडी का थीसिस है। एक जवाहरलाल जी की एक उदयचंद जी की सर्वदर्शनाचार्य उनकी भी है। यादवाद पर काम तो बहुत सारे हुए। अंग्रेजी यादवाद मंजरी है सबसे पहले। यादवाद मंजरी है। यादवाद कल्पलता भी है। बहुत सारे ग्रंथ है। तो आत्मीमांसा का केंद्रीय प्रतिपाद्य अगर कुछ है तो वो यादवाद है। उन्होंने कहा है कि यादवाद से ही सत्य को समझा जा सकता है। उपायांतारा भावात अन्य कोई उपाय इस विश्व में नहीं है। स्यादवाद से ही आप्त का निर्णय हो सकता है। और ये चेत बहुत बढ़िया याद रखने लायक है। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। पहला इष्ट है जो स्यादवादी है वही यथार्थवादी हो सकता है। अन्य सब मिथ्यावादी है। एक तो ये स्थापना सुमेरु जैसी है। जो स्यादवादी है वही सत्यवादी है, अन्य सब मिथ्यावादी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक घंटे काम करने की जरूरत है, दो घंटे काम करने की जरूरत है। जो स्यादवादी है वही सत्यवादी है। सत्यवादी कहो यथार्थवादी कहो कोई सत्यवादी है कि लोग में जो विख्यात है। हाँ वो सत्यवादी भी नहीं। बहुत बढ़िया पंक्ति। जो स्यादवादी है वही सत्यवादी है, अन्य कोई सत्यवादी नहीं है। अन्य कोई एकांतवादी है। एकांतवादी मिथ्यावादी ही होता है। फिर दूसरी बात, जो सत्यवादी है वो निर्दोष है।
निरावरण है, निर्दोष माने बीतरा, निरावरण माने सर्वज्ञ। तो वाणी से सर्वज्ञता बीतराता की सिद्धि की, ये महत्वपूर्ण स्टेप है, चैन है पूरी आत्मीमांसा की। इस पर काम हो तो बहुत कुछ समझ में आए। अब कल हमारी जो चर्चा उठी थी, दो मिनट उसकी बात कर लेते हैं, ज्यादा बात करना उसमें कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, ये आचार्य श्री की टीका है, उसको मैं लेके आया हूँ। अगर आचार्य श्री देखना चाहेंगे तो जहाँ बुक मार्क लगा हुआ है ना आचार्य श्री, उस पेज पर उसका अनुवाद है। बात तो अनुवस्थित शब्द से ही ठीक बैठ रही है। हाँ, अनुवस्थित है। हाँ, वस्तु विधि निषेधात्मक है, माने एकदम उपस्थित अवस्थित नहीं है। हाँ, अनुवस्थित है। हाँ, हालांकि एकदम तो अभी पूरी बात समझ, अर्थ तो पूरी बन रहा है। नहीं, हम बात तो यही है। हाँ, वस्तु विधि निषेधात्मक है, वस्तु इसमें भी यही लिखा है। ये मूलचंद जी की टीका भी मैंने कल दे दी, इसमें भी वही बात लिखी है। वस्तु अनुपस्थित है, वह विवक्षा वर्ग विधेयात्मक दृष्टि से विधि रूप है और वही निषेध रूप है। इन्होंने अवस्थित का अर्थ किया है एकांत पक्ष में स्थित। अवस्थित शब्द का अर्थ अवस्थित, अनुवस्थित का नहीं, अनुवस्थित का उल्टा हो जाएगा। अवस्थित शब्द का अर्थ होता है एकांत लगी हुई और विधि निषेध के द्वारा वो अनवस्थित होनी चाहिए, माने किसी एक पक्ष में नहीं होनी चाहिए। कई बार वाक्य विधि रूप से बोला जाता है, कई बार निषेध रूप से बोला जाता है, पर जब विधि बोला जाता है तब उसमें निषेध चिपका होता है, जब निषेध बोला जाता है तब उसमें विधि चिपकी होती है। जैसे हमने बेटे ने पूछा पापा खेलने जाऊं, बोले नहीं, नहीं माने खेलने मत जाओ यहीं बैठो। वो उसमें केवल नहीं नहीं है, जब कुछ नहीं कहा जाता है, जब ये कहा गया है कि पाप मत करो, तब क्या कुछ कहा नहीं गया है कि सिर्फ नहीं करो ही कहा गया है? नहीं करो कहा है, तब भी कुछ करो कहा है, और जब कुछ करो कहा है तब भी कुछ नहीं करो कहा है। हर वाक्य में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, संसार का कोई भी विधि वाक्य निषेध के बिना नहीं बन रहा। लोगो अकृत्रिम हो, लोग अकृत्रिम है, तो अकृत्रिम है ये विधि है कि निषेध है? लोगो अकृत्रिम हो खलु, खलु, अब खलु भी लगा दिया, फिर भी बोले आचार्यों ने यहां तक कहा हम स्यात लगाएं तब भी वकुर पुत्र मित्राणि दारा मत्ता सर्वथा भिन्न स्वभावानि, बोले मुझसे सर्वथा भिन्न है, तो फिर अनुपचरित असद्भूत उपचरित असद्भूत का क्या करोगे? अरे बोले अभी कह लेने दो, हमारे वाक्य में स्यात लगाई हुआ है, सर्वथा कहे तब भी स्यात लगा हो। ये कितनी बड़ी बात है, हम सर जब आप कुछ नहीं बोलोगे तब तो हम स्यात लगा लेंगे, लेकिन जब आप सर्वथा बोलो तब, बोले हम तब भी हम सर्वथा का नियम क्या हमने नहीं सर्वथा तो बस सर्वथा नियम त्यागी पसंद की अपेक्षा लगा होगा। हाँ, प्रसंग चल, हर जगह हर वाक्य में स्यात लगा ही लगा हुआ है, ये समझ लेना। यदि एक पक्ष को पकड़ेंगे तो एक पक्ष में वस्तु को अवस्थित करेंगे। इसमें आचार्य श्री ने कारिका का जो अर्थ किया है टीका की है सामान्य का, इस प्रकार से विधि और निषेध के द्वारा अनुवस्थित जीवादि वस्तु
अनुपस्थित कुटस्थ नहीं, अवस्थित नहीं कर रखा। अनुपस्थित जीवा की वस्तु अर्थ क्रियाकारी है, तो ये अर्थ क्रियाकारी को बनेगा। यदि ऐसा नहीं मानो तो जिस प्रकार से बहिरंग अंतरंग उपाधि सहकारी और उपादान कारणों से अनुपस्थित रहित कार्य अर्थ क्रियाकारी नहीं है, तथैव सभी जीवादि वस्तु विधि निषेध से रहित अर्थ क्रियाकृत नहीं हो सकेंगी। स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करो, मतलब परमद्रव्य से निवृत्ति के ना स्वद्रव्य में प्रवृत्ति हो सकती है, और परद्रव्य से निवृत्त हो जाओ। कभी तो आचार्यों ने एक ही उपदेश दिया है बहुत देर तक, तू परद्रव्य में विहार मत कर, परद्रव्य से निवृत्त हो जा, निवृत्त हो जा, निवृत्त हो जा। तू कैसे निवृत्त हो जाए? स्वद्रव्य में प्रवृत्ति के बिना परद्रव्य से निवृत्ति नहीं हो सकती। और ऐसे ही स्वद्रव्य में प्रवृत्ति कर, स्वद्रव्य में प्रवृत्ति कर कैसे करेगा? परद्रव्य से निवृत्ति के बिना स्वद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वो यदि उपदेश जो विधि रूप दिया जा रहा है, यदि वो विधि में ही अवस्थित है तो अर्थ क्रियाकारी नहीं बनेगा, उसका निषेध पक्ष भी है। ऐसे उसमें प्रश्न करते हैं, बराबर कहीं ऐसा ही बोलते हैं, माँ के स्वर्ण स्वर्ण सत्य विधि और निषेध प्रत्येक वाक्य में बनते ही है। विवक्ष्यामुक्त मां व्यवस्था इति प्रणीति सुनते सवयम हमारी सब जगह। कोई अपान ऐसा लिखा वही सुमतिनाथ है जो त्यागवादी है, बाकी सब कुमतिनाथ है। हे भगवान आप सही सार्थक नाम वाले सुमति हो। हाँ अनवर आपका नाम सुमति है, वो खाली नाम के सुमति नाथ तो दुनिया में बहुत घूमते हैं। किसी ने पूछा ना सिद्ध भगवान दुखी है, नाम निक्षेप वाले सिद्ध हो कोई हमारे जैसा सिद्धराज नाम का राजा हुआ, और उसको सिद्ध को अलग सुखी कहेंगे या अलग दुखी कहेंगे? तो इसलिए नाना विवक्षाओं का जावलिया वर्ण वहा, ये भाषा बहुत गजब की है, इसमें है जाव ये जो कावलिया विवक्षा को समझने के लिए प्रेरित करता है। कोई कुछ भी बोले तो ये उसकी जिम्मेदारी है, आप क्यों परेशान है? जिसने बोला है उसे सिद्ध करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। वो सिद्ध न कर पाए तो आप उसका निराकरण कर सकते हैं, वरना कोई आवश्यकता नहीं। अगली गाथा में कहा गया है अगर आप बोलते हो हाँ तो वो आपके अगली गाथा में बोलते थे वो आपका धन्यवाद है, अन्यथा वो एक प्रथम। प्रदीप जी मुझसे बार बार कह रहे हैं कि ये बात भी एक महत्वपूर्ण है कि हमारी समाज में जब भी कुछ उपदेश दिया जाए तो स्यादवाद को सामने रख कर दिया जाए तो हमारी समाज में बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा बहुत बार होता है। हम एक ही बात को जीवन पर कहते रहते हैं, अपर पक्ष उसका सामने आता नहीं है, जबकि जीवन
भविष्यवाणी में वो भी बात होती है। सब लोग जितने भी हैं सब अपने को कहते अनेक आनंदवादी जैन लोग, लेकिन बात करते रहते हैं जीवन भर एक पश्चिमी। तो ऐसे ना हो, सब तालमेल बैठे अच्छी बात है, अच्छी भावना है। और मैं समझता हूँ कि सारी कारिकाएं सारे परिच्छेद का सांचा एक ही है, इसलिए अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास जो गुंजारिश है आप बोल के जय दुर्गा पुस्तक एक में जितने भी नए हैं सब नित्य आए अगर निरपेक्ष हैं तो पक्की बात है। अपेक्षा बस इसी में से किया है, आत्मीमानता की कारिका नहीं हो निरपेक्ष की परिभाषा में डाला हुआ है कि जो दूसरे पक्ष का निराकरण ना करे उसका नाम नए है। नए की परिभाषा में ये बात लिखी हुई है, इसलिए ये तो सत्य है, ये तो बार बार है कि जो बात अपर पक्ष का निषेध करती है वो दुर्लभ है, और जो अपर पक्ष को गौण कर देती है उसे भी स्वीकार करती है वो सापेक्ष है, सत्य है, सुनय युक्त वाणी है। एक जगह ऋग्वेद में भी एक ऋचा आई है, मंत्र आया है, हे ऋषभ देव हमें सुनय युक्त वाणी प्रदान करो। जौ वाक्य लिख दिया ऋषभ, हे ऋषभ देव। ऋग्वेद में ये कारिका का मिलना किसी ने मेरे का न्याय शास्त्र तो अब आया है, मैंने कहा अब कहां से आया है, ऋग्वेद में लिखा है हे ऋषभ देव आप मुझे सुनय युक्त वाणी प्रदान करो। हाँ, तो आ गया ना नए न्याय वहां आ गया ना। ये सब विवक्ष अनंत विवक्षाएं हैं, कभी अशांत मत हो। कोई कुछ भी कहता है ना, मैं कहूं ये तकिया है, ये तकिया है किसी अपेक्षा सही हो सकता है? हाँ हो सकता है, जो कह रहा है ये उसके जिम्मेदारी छोड़ दो, वो कैसे कह रहा है। अरे अपन जब गणित पढ़ते हैं ना तो एक सपोज मान लो, अभी मुझे आपको कुछ बात कहनी है तो मैं कहूंगा मान लो ये तकिया है, तो अब आप मानोगे नहीं, क्योंकि अगर मेरी आगे की बात सुननी है, मुझे आगे कहानी बतानी है, अब आपको अगर वो सुननी है तो मैं कहूंगा पहला वाक्य मान लो ये तकिया है, तो हाँ हाँ आगे बोलो। मान लो बोला वही सापेक्ष, मान लो कोई सापेक्ष, मान लो मैं सब कुछ आ गया। ऐसा गणित में कैसे चलता है, एक गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे कि यदि 10 रुपए किलो गुड़ आए तो 10 किलो कितने का आएगा। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मुझे 50 किलो दे दो, ऑर्डर लिख लो, 10 रुपए किलो कहीं गुड़ आता है, गुड़ 50 रुपए किलो आता है, 10 रुपए किलो नहीं आता, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो गुरुजी बोले देख भाई ये बनिए की दुकान नहीं है, ये गणित की क्लास है, और यहाँ तो कभी 10 रुपए किलो बिकेगा, कभी 5 रुपए किलो बिकेगा, कभी 15 रुपए किलो बिकेगा, मेरी मर्जी होगी जितना बिकेगा, और तुझे उतना मानकर सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। तो बताओ माने गुड़ 10 रुपए किलो मानना पड़ेगा कि नहीं, कहीं है कि नहीं, वो 1 रुपए किलो बोलेंगे तो भी माना कि मैं बहुत कुछ आ गया। जैन दर्शन अनंत विवक्षाओं की को स्वीकार करता है, किसी विवक्षा की हत्या नहीं होने देता। अनेकांत धर्म ही परम अहिंसक है, अनेकांतवादी ही परम अहिंसक है, दूसरा आतंकवादी है, हिंसक है, क्यों जानती भी हिंसा नहीं होने। ये उसने किसी की विवक्षा की हिंसा नहीं होने दी, सब विवक्षाओं को स्वीकार किया। स्यादवाद
बहुत विशाल हृदय बनाता है। वस्तु जैसी अनंत धर्मात्मक है वैसा ही हमारा मन बनता है। तो अब आज्ञा हो तो हम द्वितीय परिच्छेद में आगे बढ़े गुरु जी, ताकि बाईसवीं कारिका में भी एक बात ये महत्वपूर्ण है कि हर धर्म क्रियाकारी है। वस्तु में अनंत धर्म है, सभी धर्मों का समान महत्व है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जब कभी हम एक धर्म को मुख्य करते हैं, उसके नाम पर पूरी वस्तु को कह देते हैं, तो वो तो बन जाता है धर्मी और बाकी के सब बन जाते हैं उसके धर्म, अंग अंगी भाव बन जाता है। एक चर्चा आती है, थोड़ी सूक्ष्म है, एक प्रमाण सप्तभंगी होती है, एक नए सप्तभंगी होती है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, जरा सा फर्क है। कथनचित सत, कथनचित असत, कथनचित सत असत, कथनचित अवक्तव्य, सप्तभंग बन गए। अब ये जो सप्तभंग है, ये ही यदि सत का अर्थ पूर्ण वस्तु ले रहे हो तो प्रमाण सप्तभंगी है, और सत का अर्थ यदि उसका एक अस्तित्व नामक गुण ले रहे हो तो वो नए सप्तभंग। उसी में क्या आपका मीनिंग है? जैसे वस्तु, वस्तु माने क्या? वास्तव में तो वस्तु नाम किसी का वस्तुत्व गुण की वजह से पड़ा है। सत नाम सत्ता गुण की वजह से पड़ा है। आत्मा का नाम जीव जीवत्व गुण की वजह से पड़ा है, पर उसमें खाली जीवत्व गुण नहीं है। जीवत्व जैसे ही जितना महत्वपूर्ण जीवत्व है, उतने ही महत्वपूर्ण अन्य भी अनंत धर्म है, और कोई छोटा नहीं है। लेकिन अब जब जीव नाम मुख्य कर दिया तो जीव तो बन गया, और जीव बन गया अंगी, और बाकी सब बन गए उसके अंग। ये व्यवहार है। जब जैसा बोला जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और 23वीं में तो कुछ विशेष नहीं है, इतना अभिप्राय है कि जैसे प्रैक्टिस हमने भाव और अभाव पर की है, पूरी की पूरी प्रैक्टिस हे नए विशारद, हे नए विशारद, तुम एक अनेक आदि और अब बहुत विकल्प आने वाले हैं। जैसे यहाँ पर भाव और अभाव आए, ऐसे अब आगे एकानेक आएगा, नित्यानित्य आएगा, भेदा भेद आएगा, और कुछ आएगा, तुम सब आएगा। तुम वहां पर इसी प्रक्रिया को एनाम प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को सब जगह योजये, लगा लेना, लगा लेना चाहिए। विधि इंग्लिश लकार से बनाया है, नए विचार एक बटा एक है। अद्वैतैकान्त भक्षेति द्रष्टो भेदो विरुच्यते कार्याणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। जी 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 कर्मद्वैतं फलद्वैतं
लोकद्वैतम् चनुभवे विद्या विद्याद्वयम् न स्यात् बन्धमोक्षद्वयम् तथा एतोरद्वैत सिद्धिश्चेत् द्वैतम् चाध्येतु तथयोः हेतुना चेद्विना सिद्धिर्द्वैतम् मां मात्रतो न किम् अद्वैतम् न विना द्वैता हेतुर्हेतुना सङ्गिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेधार्थते क्वचित् देखो अब ये दूसरा परिच्छेद है। इसमें जैसे प्रथम पहले परिच्छेद में भाव और अभाव का पेयर लिया था, यहाँ पर अद्वैत और द्वैत का पेयर है। दूसरे अध्याय का पेयर है अद्वैत एकांत और द्वैत एकांत। अर्थशास्त्री में पहले भाग में केवल 46 और दूसरे भाग में केवल 17 और बाकी सब तीसरे में। ये गजब की बात है। द्वैत का विषय आया है कि अलग से तीसरे भाग में हाँ। देखो अद्वैत एकांत, लोक में कुछ ऐसे दर्शन है जो कहते हैं कि इस विश्व में एक ही तत्व है। अद्वैत माने द्वैत माने दोपना, दो नहीं है। अद्वैत माने नहीं है। लोक में वेदांत आदि कुछ दर्शन, एक थोड़ा सा है ना दर्शन शास्त्र का प्राथमिक परिचय भी होना चाहिए। और कितने दर्शन हैं, उनकी क्या क्या बुनियादी मान्यताएं हैं, उस पर भी मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं ले आऊंगा। उस थोड़ा सट दर्शनों का सामान्य परिचय थोड़ा सा हो ना तो ये विषय और भी समझ में आए। कौन मानता है भाविक अंतवादी कौन है, अभाव वाला कौन है, अद्वैत वाला कौन है, द्वैत वाला कौन है। तो अद्वैत एकांत माने दुनिया में दो नहीं है ऐसा मानने की सर्वथा मानने वाला, उसको कहते हैं अद्वैत। वेदांत आदि कुछ दर्शन ऐसे है कि जो ये कहते हैं एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति कश्चना, एक ब्रह्म एक तत्व है और एक तत्व से सब जग लिप जा। ऐसी बहुत बातें फैल गई कि जड़ चेतन भी दो नहीं है, जड़ और चेतन भी वास्तव एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने कहा एक ही तत्व इस दुनिया में है, दो तत्व नहीं है, चेतन और अचेतन का भी भेद वास्तविक नहीं है, वो केवल प्रातिभाषिक है, केवल काल्पनिक है, वो तो माया है और कुछ नहीं है, तो ऐसे उन्होंने कहा है। तो कुछ एक तत्व को मानने वाले हैं, जो एक तत्व को मानने वाले हैं वे हैं अद्वैत एकांतवादी, और कुछ इसके विपरीत हैं, वो कहते हैं कि नहीं एक ही तत्व नहीं है, एकाधिक है, कम से कम दो तो है ही है, जीव और अजीव, जड़ और चेतन, ये दो तो है ही है, कुछ तीन मानता कुछ चार मानते ऐसे कुछ मानते हैं, एकाधिक मानते हैं। तो जो एकाधिक मानते हैं वो द्वैतवादी, और जो एक तत्व को मानता है वो अद्वैतवादी। इस परिच्छेद में इनसे बात की जाएगी, अद्वैतवादी से और द्वैतवादी से।
उसमें ये शुरू की चार कारिकाओं में आचार्य श्रवण कुमार स्वामी अद्वैतवादी से बात कर रहे हैं। शुरू की चार कारिकाएं अद्वैतवाद का निराकरण है, अद्वैतवाद की समीक्षा है। और कितनी बढ़िया कारिका है, अर्थ लगाते हैं। देखो अब अर्थ समझ में आते ही बहुत कठिन नहीं है। अद्वैत एकांत पक्षी भी, अद्वैत एकांत का पक्ष स्वीकार करने पर भी, पक्षे भी पक्ष को मानने पर भी, दृष्टो भेदो विरुद्यते, दृष्ट माने दिखाई देने वाला भेद, ये दृष्टापलाप का महान दोष आएगा। एक बड़ा अच्छा शब्द है दृष्टापलाप। दृष्टापलाप माने बोले जो दिख रहा है साक्षात, भले किसी मैं से मानो पर दिखते हुए को मानना है। बोले दृष्टो भेदो विरुद्यते, ये जो भेद दिखाई दे रहा है साक्षात, ये नमक और मिश्री में जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये जल और अग्नि में जो अंतर दिखाई दे रहा है, इसका क्या करेंगे? ये जो दृष्ट भेद दिखाई दे रहा है वो कैसे करेंगे? एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक पापी है, एक पुण्य आत्मा है, एक पढ़ रहा है, एक सो रहा है, सब एक है। तो जो पढ़ रहा है वही सो रहा है, जो सो रहा है वही पढ़ रहा है, किसको पुण्य लगेगा, किसको पाप लगेगा? वो तो कुछ भी होगा, कोई दुखी हो, एक व्यक्ति रो रहा है और एक हंस रहा है, तो रो रहा है कि हंस रहा है क्या माना जाए? तो बोले दृष्टो भेदो विरुद्यते, नाना प्रकार की विरुद्ध क्रियाओं को करते हुए पदार्थ दिखाई दे रहे हैं तो क्या माना जाएगा? दृष्ट भेद में विरोध उत्पन्न होगा। कारकाणां क्रियायाच नैकं स्वस्मात् प्रजायते, ये एक सूत्र वाक्य बन गया, बहुत आचार्यों ने इसका काम लिया। नैकं स्वस्मात् प्रजायते, इस विश्व में एक भी चीज अपने से नहीं होती है, हर चीज को होने के लिए कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, करण चाहिए, संप्रदान चाहिए, अपादान चाहिए, अधिकरण चाहिए, सटकारक के बिना कोई काम होता नहीं, सटकारक से ही प्रत्येक कार्य होता है। तो जो कारकों का भेद है ये अद्वैतवादी, उसका क्या होगा? एक कर्ता है, एक कर्म है, उसका क्या होगा? एक करण है, एक संप्रदाय, इसका क्या होगा? कारकों का भेद, क्रियाओं का भेद, कितनी क्रियाएं हैं? एक दौड़ रहा है, एक बैठा है, एक सो रहा है, एक खा रहा है, एक पढ़ रहा है, एक ध्यान कर रहा है, एक तीर्थ यात्रा कर रहा है, कितनी क्रियाएं? संस्कृत व्याकरण में लाखों क्रियाएं हैं, इन लाखों क्रियाओं का क्या होगा? क्रियाओं का जो भेद बताया गया है उसका क्या होगा? एक तो खा रहा है, एक नहीं खा रहा है, एक को उपवास का फल मिल रहा है, एक को खाने का दोष लग रहा है, तो क्या होगा इसका? कारकण कितना बढ़िया, कैसी साफ सुथरी कार्य, कितनी साफ सुथरी। जो समंत भद्राचार्य कभी कभी क्लिष्ट लिखते हैं वे कभी कभी कितने सरल भी हो जाते हैं। यदि पापा स्रोस्त्यन्य संपदा के प्रयोजनम, यदि पाप निरोधो संपदा, कितने सरल हो जाते, कभी कभी तो बहुत ही सरल। देव अद्वैत एकांत पक्षे भी दृष्टो भेदो विरुद्यते, कारकाणां क्रियायाच नैकं स्वस्मात् प्रजायते, इस विश्व में एक भी कार्य अपने आप स्वस्मात् क्या है,
पांच बटा एक, अपने आप से कोई भी कार्य नहीं उत्पन्न होता है, हर कार्य को उत्पन्न होने के लिए कर्ता कर्म करण आदि सामग्री की जरूरत होती है। हर पृथक पृथक क्रियाओं के लिए पृथक पृथक नाम है, उन सब का क्या होगा? ये दृष्ट भेद विरुद्धता को विरोध को प्राप्त होता है। वो कानस पिछले परिच्छेद में श्रेष्ठम दृष्टे न बाध्यते, तो वो ही बोले तो साक्षात विरोध नजर आ रहा है। अद्वैतवादी व्याख्या के लिए खड़ा है। हाँ, और वही उसके गुरु बैठे हैं, कौन है? शिष्य बैठे हैं, हमारे शिष्य है। मुझे तो ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी, श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। तुम तुम्हारी बात तो स्थापित करो भैया, कैसी परम करुणा झलक रही है। ये करुणा है, यहाँ पर खंडन के बारे में जो भावना है, आचार्य समंत वज्र स्वामी जो आपको ऐसे कठोर दिखाई देते हैं, समंत वज्र स्वामी जुगल किशोर जी मुख्तार ने सिद्ध किया है कि वो तो करुणा के स्रोत थे। क्या करुणा की उन्होंने, अंदर से उनका हृदय रोता था कि ये एकांतवादी स्वर प्रणाली अकलंग स्वामी ने नैराश्यम प्रतिपद्य नश्यन्ति जना, उनको दर्द हुआ कि अरे देखो तो सही इनको क्या हो गया, के आत्मा ही नहीं है, क्या होगा इनका। अभी आत्मा का श्रद्धान करना है, ध्यान करना है, आचरण करना है, अभी बहुत काम बाकी है, और इन्होंने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अनात्मवाद। अब क्या होगा, करुणा से विचलित तो हो गए और उस नैरात्मवाद का खंडन किया, आत्मवाद की स्थापना की। परम करुणात्मा के सागर के लिए इसलिए खंडन करने का कोई औचित्य है? वाह, केवल करुणा के अलावा। वाह, करुणा हो तो ही कुछ करे, नहीं तो उसे अपनी सुधि तो हो ही नहीं सकती बात। तो इसलिए बहुत बढ़िया है, अद्वैत एकांत पक्षेपी कार्यकारणाम क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात् प्रजायते। करुणा एक भी बात अपने आप से नहीं होती, उसके लिए कारक क्रिया भेद की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अपने आप कुछ भी नहीं हो जाता दुनिया में, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता। सब कर्ता कारक आदि की पूरी बाह्य तरोपाधि समग्रतेयम् सामग्री जनिका न तु एकम्। किसी भी कार्य का जनक सामग्री है, सामग्री न तु एकम्, एक चीज जनक नहीं है। और क्या दोष आएगा, कर्म द्वैतम, कर्म द्वैतम फल द्वैतम लोक द्वैतम च लोभे विद्या विद्यालयम् न चान्त मोक्ष द्वयम्। अद्वैत एकांत को मानेंगे तो दो प्रकार के कर्म जो प्राय सभी दर्शनों में माने गए हैं वो नहीं बनेंगे, पुण्य कर्म, पाप कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, कुशल कर्म, अशुभ कर्म, ये दो कर्म नहीं बनेंगे। फलद्वैतम, दोनों का दो फल अलग अलग बताया गया है, वो नहीं बनेगा। लोकद्वैतम, दो लोक बताए गए, आस्तिक और नास्तिक में फर्क ही ये बताया कि जो परलोक को माने वो आस्तिक है, तो परलोक नहीं बनेगा। लोक द्वैत, दो लोक दो है, ये लोक परलोक, ये नहीं बनेगा।
कर्म द्वैत, फल द्वैत और लोक द्वैत दोम अवेत नहीं सिद्ध होंगे, नहीं हो सकेंगे। विद्या विद्या, ये मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है, कैसे होगा अद्वैत? ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। विद्या माने आत्मज्ञान, अविद्या माने आत्मभ्रांति, ये कैसे बनेगा? विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान का द्वैत वो कैसे बनेगा? बंध मोक्ष द्वयम तथा, और बंध है ये मोक्ष है, ये कैसे बनेगा? ये संवर है, ये निद्रा है, वो कैसे बनेगा? बंध मोक्ष संबंधी द्वैत भी नहीं बन पड़ेगा। एक तरफ आश्रम खड़ा है, दूसरी तरफ संवर, कैसे करेंगे? तो ये द्वैत कैसे बनेगा? ये सब कुछ भी नहीं बन पाएगा यदि अद्वैत एकांत को स्वीकार किया जाए तो। और क्या होगा? अब उससे बात कर रहे हैं और उससे कह रहे, अच्छा उसे भी मौका दे रहे। देखो ये बहुत बड़ी बात है, जब हम किसी से बात करने की कला उसको आ सकती है जो स्याद वाली हो, नहीं तो लोग अपनी अपनी दौड़ते रहते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है, वो एक गंदी आदत है। स्याद वाली को ही ये आदत आती है कि अच्छा भैया अब तुम अपनी बात रखो, अच्छे से रखो, खुलकर रखो, समझाओ, हम समझने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जब नहीं तो अक्सर लोग इसी भ्रम में सारी जिंदगी काटते हैं। मुझे आता है, मुझे किसी से समझने की क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ा भ्रम है, कभी भी नहीं पैदा होना चाहिए। हर बार शुरू से शुरू करो, रीस्टार्ट, अगेन एंड अगेन। तत्वाभ्यास किसका नाम है? अगेन एंड अगेन, रीस्टार्ट, फिर से शुरू करो। जैसे कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा समझकर फिर से जब हम बार बार शुरू करते हैं तो इसका नाम तत्वाभ्यास है। अब देखो समस्त भद्र स्वामी उसको मौका दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो हम नहीं समझ रहे हैं, तुम अपनी बात को समझाओ, थोड़ा विस्तार से समझाओ, क्या कहना चाहते थे उसे बताओ, सिद्ध करो। तुम अद्वैत एकांत मानते हो, तुम कहते हो कि इस विश्व में एक ही तत्व है, अद्वैत है, तो जरा सिद्ध करो, सिद्ध करो, हम सुनेंगे। कैसे सिद्ध करोगे? तो वो सिद्ध करने लगा, तो सिद्ध करने के लिए उसने हेतु दिया, तो बोले ये बताओ हेतु और साध्य, साध्य क्या है? बोले अद्वैत की सिद्धि। हेतु क्या है? बोले बाकी सब माया है, ये हेतु है। तो बोले ये बताओ हेतु और साध्य ये दो है कि एक है? यदि दो है तो श्रेष्ठम दृष्टे न बाध्यते, तेरी बात स्ववचन बाधित हो गई, तेरी बात स्ववचन बाधित, केवल बाधित ही नहीं, तेरी बात तू खुद काट रहा है कि दो चीज है हेतु और साध्य, और यदि एक ही है तो कैसे करेंगे? वो बात नहीं बनेगी। हेतु अद्वैत सिद्धि से, यदि हेतु से अद्वैत की सिद्धि करोगे, तो कितना बढ़िया कारिका है। हेतु अद्वैत सिद्धि से द्वैतम स्यात् हेतु साध्ययो, हेतु साध्ययो 6/2, हेतु और साध्य इन दोनों का द्वैत बन जाएगा, यही द्वैत बना। तत्त्वमीमांसा बहुत विस्तृत है,
तत्व मीमांसा पर भी थोड़ा वर्क करना चाहिए। एक तत्व होता है उपाय तत्व, एक होता है उपेय तत्व। फिर उपाय तत्व भी दो तरह का होता है, एक ज्ञापक उपाय तत्व, एक कारक उपाय तत्व। तब तीनों की बात करो तब तत्व मीमांसा पूरी होती है। अक्सर ऐसे होता है, आप मेरे से कहो ना कि आज तत्व मीमांसा पर बोलो, तो मैं सात तत्व बोल के रह जाता हूँ। वो तो एक अंग हुआ, वो तो 33% बोला, बाकी का सब तो रहे कारक तत्व ज्ञापक तत्व कहाँ गए, वो भी आने चाहिए। तो उनमें भी तो अद्वैत बनना चाहिए। ये हेतु और साध्य ये ज्ञापक तत्व हैं, ये तो हो गए ना ये, तो द्वैत हेतु और साध्य का द्वैत बन जाएगा। हेतु ना चेत बिना सिद्धि, और यदि हेतु के बिना सिद्धि कर रहे हो भैया तो वांग मात्र तो न सिंह। ऐसे ऐसे किसी के बोलने से कुछ क्या इससे बड़ी डांट कुछ हो सकती है, उसे डांट दिया है ये क्या। फिर तो तू है तेरी जबान चला रहे चलाता रहे, तेरे घर में बैठ तेरी जबान है, क्या हुआ इसमें क्या। आचार्य सिद्ध सेन का एक श्लोक बड़े महाराज जी बहुत याद करते थे, दैव खातम च वजनम आत्मायत्तम च पौरुषम आत्मायत्तम च वाङ्मयम् और श्रोतार संति चोक्तस्य निर्लज्जः को न पंडित। विदाता ने बोलने के लिए यहाँ चेहरे पर एक गड्ढा खोदी रखा है, और जो बोलो वही वाङ्मय है, और इस दुनिया में सुनने वालों की कमी नहीं। आप गालियां भी दो तो अभी 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आप कुछ भी बोलो, गालियां भी बोलोगे गंदी भी बात बोलोगे तो सुनने के लिए 100-200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो पंडित बनने के लिए क्या करना है कि निर्लज्ज हो जाओ, बस पंडित हो तुम भी। दैव खातम च दैव खातम च वदनम आत्मायत्तम च वाङ्मयम् श्रोतारा संति चोक्तस्य निर्लज्जः को न पंडिता। ऐसे ही उसको कह, ऐसे ही बोलने से काम चलता है क्या? ऐसे ही बोलोगे कि कुछ हेतु दो, अगर हेतु से सिद्धि करोगे तो हेतु और साध्य का द्वैत हो गया, गए काम से तुम। और यदि हेतु के बिना बोलोगे तो ऐसे ही जबान चलाने से थोड़ी कुछ नहीं। दर्शन शास्त्र की चर्चा करने आए हो ठोस बात करो, ऐसे जबान हिलाने से बात बनती नहीं है। हेतु हेतु द्वैत सिद्धि से द्वैतम स्याद् हेतु साध्ययो, हेतु ना चेत बिना सिद्धि। ऐसे तो वाणी से कोई द्वैत बोलेगा उसकी भी मान लो, बिना ही हेतु बात करनी है तो फिर तो सबकी बात फिर सिद्ध हो जाएगी। अगर ऐसे कहने से अद्वैत मान लिया जाए बिना हेतु के, तो फिर तो द्वैत वाले की भी बात मान लो, वो भी तो कह रही है बेचारा बिचारा बिचारा करते रहो फिर। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये भावुकता न्याय शास्त्र को समझने के लिए बहुत बड़ा माध्यम तत्व है। वो भावुकता से काम करने वाला नहीं है। हाँ, अद्वैत बिना द्वैता हेतु निर्हेतु न संगिना प्रतिषेधो न प्रतिषिद्धते पदे। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भावुकता से काम चलने वाला नहीं है। हम कई बार ऐसे करते रहते हैं, वो ना हमारा कोई कर देगा, कोई कुछ कर देगा, हमको भी मोक्ष मार्ग में कोई खींच ले, कोई कुछ हो जाए। बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, तुझे खुद कमर कसनी पड़ेगी, उस दिन काम होगा।
दूसरे के भरोसे रो लेते रुकियाने गिरियाने से काम चलने वाला, हमको थोड़ा सुगम रास्ता बता दो ना, कुछ नहीं होता। तू ऋषभ देव का बेटा होगा तो भी डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग में कोई डिस्काउंट किसी को मिलता नहीं है। यहाँ सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है, सब अपने अपने पुरुषा जैन दर्शन पुरुषार्थवादी है, श्रवण संस्कृति है। यहाँ श्रम से जी चुराने वाले नहीं रहते हैं। श्रम से जी चुराए और श्रवण भी रह जाए ऐसी अनीति संभव नहीं है। कुछ कोई रास्ता नहीं है, जो समझेगा वो सुखी होगा। सीधा मार्ग है, भेदभाव नहीं है। जो समझेगा सो तरेगा, जो समझेगा सो पाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखो चौथी कारी का और भी अकाट्य तर्क, थोड़े में बहुत कहना कैसे आ जाता है। देखो अद्वैतम न बिना द्वैता हेतु हेतु न संति न प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यात्रिते क्वचि। देखो क्या अद्वैतम न बिना द्वैता, गजब की बात कही। हे अद्वैतवादी क्या मानते हो तुम, क्या कह रहे थे? अद्वैत इस दुनिया में अद्वैत है। सुनो अद्वैत शब्द, अद्वैत की बात, द्वैत के बिना कैसे? अगर लोक में द्वैत नाम की चीज हो तभी यू कैन से, तभी तुम कह सकते हो कि अद्वैत है। अगर अद्वैत, अगर लोक में जैन है तो अजैन कुछ है, जैन नहीं हो तो अजैन हो सकता है। मान लो कल्पना करो लोक में एक भी जैन नहीं है, तब अजैन नाम की कोई चीज होती है? अजैन तो अजैन होने के लिए, अजैन तो बाद में होगा कोई, पहले जैन होना जरूरी है। तो हे अद्वैतवादी तुमने क्या बोला? अद्वैत है। तो अद्वैत है, अद्वैत तभी हो सकता है जब पहले द्वैत हो। द्वैत के बिना अद्वैत की बात नहीं हो सकती, उसकी सत्ता नहीं बन सकती। अद्वैत शब्द नहीं, अद्वैतम। ये लाइन देखो तो कैसा खूंटा पड़ा हुआ है। अद्वैतम न बिना द्वैता, द्वैत के बिना अद्वैत नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता? जैसे हेतु दुनिया में ना हो तो हेतु आकाश नहीं हो सकता, हेतु ना हो तो अहेतु नहीं हो सकता। दुनिया में दुग्ध हो तो दुग्धाभास होता है, मनुष्य हो तो मनुष्याभास होता है, प्रमाण हो तो प्रमाणाभास होता है, नय हो तो नयाभास होता है। और जब हेतु ही नहीं तो अहेतु नहीं होता, जब द्वैत नहीं तो अद्वैत भी नहीं हो सकता। अद्वैतम न बिना द्वैता अहेतु निव हेतु न संगिना प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यात्रिते। देखो नीचे की लाइन भी बहुत समय मांग के सब दो चार घंटे में समझ में आ जाए तो समझ गए ना, जल्दी समझ में आ गए। ये चार कारी का है, चार छह दिन में समझ में आए ना तो अपना कंधा थपथपा लेना कि शाबाश जी सागर जल्दी समझ गया। अपना बहुत जल्दी समझ, चार चार दिन में समझ में आए तो सस्ती है ये। क्या कह रहे हैं? किसी भी संगी का प्रतिषेध तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रतिषेध ना हो। प्रतिषेध के
हुए बिना प्रतिषेध हो नहीं सकता। खंड हो तब खंडन हो सकता है, निषेध हो तब। दुनिया में किसी चीज का सर्वथा निराकरण नहीं होता है, याद रखना। चीज हो तो निराकरण हो। हाँ, हमारे यहाँ एक विषय आता है थोड़ा सा सूक्ष्म है, पर किसी दिन अवसर मिला सुन रही है। एक एक विषय आता है अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, तीन प्रकार के एवकार की चर्चा आती है। किसी भी चीज का निराकरण आप तभी कर सकते हो जब वो कथनचित हो, नहीं सर्वथा नहीं उसका निराकरण भी नहीं, जो बिल्कुल नहीं है उसका तो निराकरण भी नहीं हो सकता। निराकरण करने के लिए भी उसको उसको होने के लिए तो उसको होना ही चाहिए, उसका समर्थन करने के लिए तो उसे होना ही चाहिए, लेकिन निराकरण करने के लिए भी उसे होना चाहिए। गधे के सिंह नहीं होते, इसका मतलब है गधा भी होता है, सिंह भी होते हैं। सिर्फ दो के योग का निषेध किया जा रहा है। वंद्या के पुत्र नहीं होता, वंद्या वंद्या के पुत्र नहीं होता। क्यों क्यों बोल रहे हो? मैं एक घंटे समझा रहा हूं, वंद्या के पुत्र नहीं होता, क्यों समझा रहे हो? वंद्या भी होती है, पुत्र भी होता है। इस लोक में पुत्र की और वंद्या की दोनों तत्वों की सत्ता है, तब वंद्या पुत्र के योग का निराकरण किया जा रहा है। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। संगिना, संगिना क्या है? 6/1। किसी भी संगी का, संगी माने संज्ञा धारक, संज्ञा वाला प्रातिपदिक, किसी भी नाउन का, किसी भी संज्ञा का प्रतिषेध तब तक नहीं हो सकता जब तक वो हो नहीं। उसका निषेध करने के तुम कह रहे हो द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है, होगा जब ना, नहीं है नहीं है क्या कह रहे हो? नहीं है नहीं है क्या कह रहे हो? वो है तब कह सकते हो नहीं है नहीं है, नहीं है कहने के लिए भी उसे होना चाहिए, तो सर्वथा अद्वैतवाद बनता नहीं है। ऐसी ये चार कारिकाएं हुई आज का समय की बात है। प्रतिषेध होना पांच तर्क आगे तो जबरदस्त द्वैतवादी कहता है। जैसे आप कहते मान लो, हाँ मान लो हेतु, हाँ हेतु मान लो, मान रहा हाँ हेतु किसी तो होगा वो अगर वो कहता है तो हाँ, तो सर्वथा के मत कहे एकांत स्याक लगा के कहे तो हम मान ले सकते हैं। वो स्याक लगा मान लो कहेगा तो मान लेंगे, लेकिन मान लो का मतलब बाजार में भी 10 रुपए किलो नहीं मिलेगा, वो क्लास में मान लें। हाँ हाँ, एक अपेक्षा से अद्वैत है। अभी अभी कार्य का मतलब हो गया स्याद। हाँ, मान लो का मतलब स्याद है, तो माया माया मानता है तो माया भी। हाँ नहीं देखो, स्याद लगा के कहेगा तो सब मानेंगे हम। कान क्लास में तुम 10 रुपए किलो गुड़ बेचो, 2 रुपए किलो बोलते हो, हम सब सवाल कर देंगे, लेकिन बाजार में मत मांगना 2 रुपए। कल वो हमारी दुकान पे आ जाओ, कहने लोगो 2 रुपए किलो गुड़ तोल दो, हमने कल पढ़ाया था। उनके पिताजी की दुकान पे पहुंच जाए, मान साहब के पिताजी की दुकान है, वो पहुंच गया, कहने लगा आपके बेटे ने तो पढ़ाया था 2 रुपए किलो गुड़, 2 रुपए की बोले हो, ऐसे नहीं चलेगा। मान लो जो है वो माया माने ना, माया एक सेकंड जी मान लो। जैसे अब
अपने आप हो जाएगा ये कहना सही बात है दोनों बातें कैसे सेट होगी दोनों ही बातें सेट आगम में ही ऐसा भी लिखा है सब होता स्वयं जगत परिणाम आगम में ही ये भी बात दिनवाणी में लिखी है कि सब स्वतः परिणमन तीन लोक में सब वस्तुएं अनादि निधन वस्तुएं अपना अपना कार्य स्वयं कर रही है ऐसा भी लिखा है ये भी बात कही है जब ये कहते हैं कि नैकम स्वस्मात् प्रजायते वहां पर उसकी जो कर्ता कर्म करण रूप सामग्री को नहीं मानता है उसे समझाया जा रहा है और जो कर्ता कर्म करण रूप सामग्री का बोझा लेकर कर्तृत्व के अहंकार से दब रहा है उसको वो पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसका बीपी हाई हो रहा है उसको लो की दवाई देनी है जिसका लो हो रहा है उसको हाई भाई तीन प्रकार के जगत मान के चलो शब्दात्मक जगत अर्थात्मक जगत ज्ञानात्मक जगत वो थोड़ा सा ही लेके छोड़ दिया था आगे आएगा बहुत ज्यादा 102 कारिका के बाद आएगा शब्दात्मक मकान नक्शा दुनिया की हर चीज तीन प्रकार की होती है शब्दात्मक अर्थात्मक ज्ञानात्मक जो हमारे दिमाग में मकान है ज्ञानात्मक मैं एक ऐसा मकान बनाऊंगा यहाँ पर ये होगा यहाँ ये होगा यहाँ ये होगा ये जो दिमाग में जो मकान है ये ज्ञानात्मक मकान है और जो नक्शे पर बना है वो शब्दात्मक है शब्दात्मक चित्रात्मक एक ही बात है शब्दात्मक से ना समझ में आए तो कई बार चित्रात्मक से समझ में आएगा और एक होता है अर्थात्मक जो जमीन पर खड़ा हुआ है सेव फल तीन तरह का अग्नि तीन तरह की एक शब्द तीन तरह उसका उदाहरण नहीं देना है लेकिन कल आपकी आज्ञा मिली थी कि कल तो कारण था नहीं लेकिन आज भी कारण हो पंडित जी लेकिन यह है साधुचर्या की कठिनाई उपवास के बाद भी साधु तांत्रा हो जाए हमारे साथ ऐसा हुआ पंडित जी सही बोलते लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हुआ मई की बात है और बनारस में थे तो वास्तव विद्या वहाँ पर सब विद्वान एक कार्यक्रम का था हमको 3-4 साल 1999 की बात तो आग्रह करके हम गए और फिर नरिया में ये जो आजकल अभी सभी प्रसिद्ध हुए जी 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 इनने जो बाला था प्रधान दूसरे रात में बाल आ गया पंडित जी तो ये बोलते हैं कि साधु को इकट्ठा होना चाहिए सत्ताधर नहीं होना चाहिए ऐसे बोलते हैं ना लेकिन उस वक्त जब उनके भीतर का श्रावक बोलता है ना लेकिन कुछ नहीं कुछ तो है बाल बोलिए तो फिर जब बैठ गए अरे तो दर्द भी साधुओं के अंदर हो महाराज जी सबका ज्यादा बहुत अच्छा विषय है इनको ज्यादा इनको लोग अपन यहाँ जिसको इसमें तो अभी चर्चा होगी कभी कभी बड़ा सा पक्षी संग है
अर्थात भगवान जी का अध्याय स्थापन के लिए हम भगवान सकल कर्म करना भगवान शुद्ध भक्ति का Thank you.